तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी आए नबी तुम अंदर जाओ चाहे तू बनाता तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर तो झोली मेरी या मोहम्मद बंद दीदों में बरदाने आंसू सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में बंद दीदों में बरदाने आंसू सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में जब तलक तू बना दे अस्सलाम वालेकुम मैं चांद नवाब बोल रहा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे मुल्क में बिना वीज़ा के रात के अंधेरे में बॉर्डर के तारों के नीचे से घुस आया और जिसका नाम है बजरंगी की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है लेकिन अब मैं जानता हूं यह आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है तो फिर कौन है यह आदमी हमारे मुल्क में क्यों घुसाया चाहता क्या है बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था मोहब्बत मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है बकवास है इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है।